होती है, उनका राइट यूज क्या होता है, उनको किस किस जगह पर यूज करना होता है। कभी कभार ऐसा होता है कुछ प्रपोजिशंस को लेकर हम काफी कंफ्यूजन में रहते हैं, तो वो सारे जो भी कंफ्यूजन्स हैं उस वीडियो से हम अलग कर देंगे, मतलब अपने माइंड से निकाल देंगे कि हमें कंफ्यूजन नहीं करना है, इस प्रपोजिशन का यूज हमें इस तरीके से करना है। तो लेट्स स्टार्ट एंड कम ऑन द टॉपिक प्रपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉट यू अबाउट प्रीपोजिशन। आई से टॉट यू अबाउट प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन है क्या? प्रीपोजिशन के रूल्स को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है व्हाट इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है क्या। तो बेटा जैसे कि पहले से ही नेम से क्लियर हुआ है, प्री क्या है? पहले से। पोजीशन कोई स्थिति बनी हुई है उसकी, तो पहले से इसकी क्या ले रखी है? पोजीशन ले रखी है। पहले से उसकी पोजीशन फिक्स है उस जगह पर, उसको प्रीपोजिशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल राहुल इज द incident
जुलाई में घटित हुई। ईयर ही वॉज बॉर्न इन 2004, वो 2004 में पैदा हुआ। तो इस तरीके से हमने इनका यूज करना सीखा। इनका यूज इन इसके लिए मंथ के लिए और ईयर के लिए करेंगे, और किसके लिए करेंगे बेटा, कवर्ड प्लेस के लिए, मतलब जहां पर हमारी चीज क्या होगी, चारों तरफ से बंद होगी, कवर एरिया में होगी, वहां पर हम इनका यूज करेंगे। एक बैल बना
आगरा इज बिटवीन दिल्ली
मथुरा। आगरा दिल्ली और मथुरा के बीच में है। मोहन इज सिटिंग बिटवीन गोविंद एंड अनु। रोहन रोहित और अनु के बीच में बैठा हुआ है। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो पर्सन्स के बीच में है ना, या दो प्लेसेस के बीच में यूज करना हो, दो लोगों के बीच में, दो पर्सन्स के बीच में, दो प्लेस के बीच में, या फिर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो किसका यूज होगा? बिटवीन का यूज होगा। किसका यूज होगा? बिटवीन का। बिहाइंड यूज ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड का यूज होता है बेटा पीछे के लिए, मतलब बैक के लिए। आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। मैं आपके पीछे खड़ा हुआ था। मैं आपके पीछे खड़ा हुआ था। इन फ्रंट ऑफ यू कैन पार्क योर कार इन फ्रंट। यू कैन पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ दिस शो। आप अपनी कार को इस शो के सामने क्या कर सकते हैं? पार्क कर सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं। तो इन फ्रंट का यूज, इन फ्रंट ऑफ का यूज किसके लिए करेंगे? सामने के लिए। और बिहाइंड का यूज किसके लिए करेंगे बेटा? पीछे के लिए। एट का यूज करेंगे बेटा आप जस्ट किसी लोकेशन पर है, आप उस लोकेशन के मतलब इर्द गिर्द ही है, वहीं पर है आप। फॉर एग्जाम्पल माई फादर वॉज एट द स्टेशन, शी इज इन। अब बड़े प्लेसेस के लिए, बड़े सिटीज के लिए हम किसका यूज करते हैं?
इनका माय मदर लिव्स इन आगरा। अब आगरा में आपकी मदर रहती है, ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन करता है कहाँ रहती है, आगरा में कहाँ रहती है, तो वहां फिर आप यूज करेंगे ए कमला, क्योंकि ये जो कमला नगर है बेटा, ये कमला नगर ये किस में आता है, आगरा में आता है। तो आगरा जो क्या है वो बड़ी सिटी हो गया, लेकिन कमला नगर जो है उसका एक छोटा सा प्लेस हो गया। तो बड़े प्लेसेस के लिए, बड़ी सिटीज के लिए हम इनका यूज करेंगे, और वहीं स्मॉल सिटीज मतलब स्मॉल प्लेस के लिए जो उसी सिटी उसी एरिया में आती हैं उनके लिए हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। जैसे कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी बॉस बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, इन गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, पोरबंदर में हुआ, और कहाँ ये पोरबंदर कहाँ आता है, गुजरात में आता है। तो गुजरात के लिए हमने किसका यूज किया, इनका यूज किया, और पोरबंदर के लिए एट का यूज किया। विदिन के यूज के लिए बेटा जो टाइमिंग है हमारी काम करने की, जो हमारा टाइमिंग है उसके अंदर हमें वो काम करके देना है। जैसे कि विदिन आवर्स, विदिन थ्री मंथ्स, विदिन टू आवर्स, विदिन वन डे, विदिन वन वीक, विदिन मंथ, मतलब जो भी हमें काम करना है उसके अंदर अंतर्गत हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट विद इन टू डेज। अब ये जो टू डेज है, विद इन हमने यहां पर लगा दिया, तो मीन्स क्या है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो टू डेज में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हमें अगर एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं है, वो टू डेज के अंदर हो जाना चाहिए, है ना। You should submit your files within 2 weeks. अब हमें यहाँ पर एक एक्यूरेट टाइम दे दिया, तो 2 week में, 2 weeks हमें 2 week में ये वर्क करना है, तो हमें इसके लिए किसका यूज करना है, विदिन का, मतलब 2 week के अंदर। अब ये नहीं कि 2 week हम वेट करेंगे 2 week हो जाएगा उसके बाद इस काम को करके देंगे, नो दिस इज रॉन्ग मैनर। हमें 2 week के अंदर उस प्रोसेस को कंप्लीट करके सबमिट कर देना है, अपनी फाइल्स को ना सबमिट करना है। इस तरीके से बेटा हमने यहाँ पर प्रपोजिशंस के बहुत सारे यूज सीखे। थैंक यू फॉर टुडे बेटा, एंड मी इन नेक्स्ट वीडियो।